वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो नंबर 2 में बात करने वाला हूं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस और लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं इस चीज को जान लेते हैं हम लोग। तो व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस कि व्हेन द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एक बार फिर सुन लीजिए कि द केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उनके मेटल के, उनके एलिमेंट के सिंबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस अगर हम कर देते हैं, उनको कैटेगरी अगर डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक को मैं रिएक्ट कराऊं H2SO4 के साथ तो क्या बनता है, देखिए जो चीज रॉ मेटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन उसको बोला जाता है रिएक्टेंट, ओके, और जो बनता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो ध्यान देते हैं, देखिए जिंक को यदि हम H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो हमें मिलता है या मिलने वाला है ZnSO4। ध्यान दीजिएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर द रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या है रिएक्टेंट्स हैं और ये बनते हैं, इनको बोला जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। इनको हमने रिप्रेजेंट किया रिएक्टेंट और ये हो जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। तो हम लोग समझ लेते हैं कि इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं, इस तरह से रखे जाते हैं और ये बीच में लगाया जाता है एरो, यहां पर हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं, जो भी चीजें होती हैं। देन अब ध्यान देते हैं इसमें कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, हम चाहे तो इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन लिखा है, ये क्या लिखा है केमिकल रिएक्शन बता दिया जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या क्या हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। और इसके ही जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में अगर लिख रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल्स की फॉर्म में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर देता हूं तो दैट इज द केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं केमिकल इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको सिंबल्स की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट प्लेस करते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट प्लेस करते हैं, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर हम किसी भी मीथेन को जलाते हैं, देखिए CH4 को जलाते हैं, देखिए तो मिलता है CO2 मिलता है और साथ में H2O मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये आपके रिएक्टेंट हो जाते हैं दोनों और ये क्या हो जाते हैं ये प्रोडक्ट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों चीज समझ में आ गई होंगी कि व्हाट आर द रिएक्टेंट, व्हाट आर द प्रोडक्ट और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाए जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया जाए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब साथ में हम लोग बात करते हैं इन दो एग्जांपल से आपको सिखाते हैं कि व्हाट आर द बैलेंस एंड व्हाट आर द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए हम लोग क्या काम करना होगा, पहले इक्वेशन को जो लिखी हुई है उसको देखना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं, अगर एटम इक्वल है तो बैलेंस होगी और एटम इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस होगी। चलिए देखिए बात करते हैं,
जैसे मैं बात करता हूं रिएक्टेंट में जिंक कितना एक या जिंक कितना प्रोडक्ट में एक मींस जिंक तो बैलेंस है, मैं ठीक कर लेता हूं जिंक तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना दो या हाइड्रोजन कितना दो, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर कितना है यहां पर एक या कितना है एक बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है चार या कितना है चार, यानी कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के जितने भी एटम हैं और प्रोडक्ट के जितने भी एटम वे सभी बराबर हैं। सो वी कैन से दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे पहचानते हैं बैलेंस और अनबैलेंस। देखिए अगला, हाउ मेनी कार्बन एटम वन, इधर वन हो गया। हाउ मेनी हाइड्रोजन टू, इधर फोर एंड इधर टू, यानी कि ये अनबैलेंस है, मैंने क्रॉस कर लिया। हाउ मेनी ऑक्सीजन टू और इधर कितना टू, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन तो यहां पर बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इसलिए आप इस इक्वेशन क्या बोलोगे अनबैलेंस, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इक्वेशन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप लोग आराम से देख के बता सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में काउंट करिए एटम्स को, और एटम्स को काउंट करके आप बता देंगे कि क्या होते हैं इसमें बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग। अब इक्वेशन अगर बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ध्यान देना। इक्वेशन अगर इस तरह से बैलेंस है सो नो नीड टू अगेन बैलेंस, अगर इक्वेशन अनबैलेंस है तो आपको जरूरत पड़ती है यस बैलेंस करने के लिए। तो अब आपको बताने वाले हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। वी विल यूज हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर द बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग इसमें बात करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड की, जिसमें आप लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों के दो चार एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं। देखिए तो अब बात करने वाले हैं एक एग्जांपल जो हम लेके चले थे, इसको दोबारा कॉमन लेके चलेंगे, CH4+O2 गिव्स CO2+H2, ठीक है। ये इक्वेशन है, हमने देखा यहाँ कार्बन काउंट किया, कार्बन इक्वल है, ऑक्सीजन काउंट किया, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, यहाँ 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है। सॉरी मैंने इससे पहले आपको ऑक्सीजन साइड बैलेंस बता दिया था, रियली सॉरी। तो हमारे पास रिएक्शन अनबैलेंस है, तो क्या करना होगा आप लोगों को इसमें, सबसे पहले ये कार्बन का बैलेंस है कोई बात नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, चूंकि इस इक्वेशन में आप लोगों के पास रिएक्शन में ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट अगर बैलेंस नहीं है तो एक काम की चीज बता देता हूँ, जरा ध्यान सुनेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी नंबर जो एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अनबैलेंस है, ध्यान देना, अगर कोई एलिमेंट कोई एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनबैलेंस है, ठीक है, तो ध्यान देना, अगर यहां कितना है ऑक्सीजन 2, कितना है 2, यहां कितना है 2 और 1 3, आप ध्यान देना जो एटम अनबैलेंस है अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड अगर वो ऑड नंबर में दिया है, जैसे यहां दिया हुआ है ऑक्सीजन का अमाउंट 2 दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है 3, इस तरह से ये क्या है इवन और ये क्या है ऑड। अगर ऑड दिया है तो पहली आपकी ड्यूटी बनती है किस ऑड को आप खत्म कर लीजिए, और अगर आपने ऑड खत्म कर लिया तो कोई भी केमिकल इक्वेशन बहुत इजी तरीके से बैलेंस हो जाएगी, ध्यान देना। तो मैंने बोला ऑक्सीजन कितना 2 या 3, आपको क्या करना है इस ऑड को इस 3 को यानी कि बैलेंस करना है, इस 3 को कैसे भी करके हिट एंड ट्रायल मतलब कितने का भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, वी हैव टू चेंज दिस ऑड नंबर इनटू इवन, ध्यान देना। 3 थे, अगर यहां मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं एटलीस्ट स्टार्टिंग पूछे होती है तो ये 4 और देन 1 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी ऑड रहेगा। अगर मैं यहां एटलीस्ट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं
तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो गया। हम क्या करते हैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से 2 से। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर 2 ऑक्सीजन है, मतलब इधर इवन हो गया और इधर भी इवन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। कोई भी इक्वेशन अगर आपसे पहले से ना हो रही हो तो ध्यान देना, वहां पर ऑड और इवन का अगर आपने सबको इवन बना दिया कैसे भी 2 से 4 से 6 से मल्टीप्लाई करके, तो आपकी इक्वेशन बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे अभी कार्बन सिंगल वन है, हाइड्रोजन 4, इससे आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। हमने किया नहीं लेकिन वो तरीके से हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब अनबैलेंस क्या बचा, ऑक्सीजन 2 और इधर कितना 4। अब क्या करना, 2 है यार, अब आपको क्या कर देना है सिंपल, या 2 का मल्टीप्लाई और कर देना, ये हो जाता है आपका इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, चलिए आप लोगों के लिए H2 plus O2 gives H2O, क्या H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन कितने 2, यस, इधर भी 2 बैलेंस, यहां ऑप्शन कितने 2 और यहां कितना 1। ध्यान देना, या इवन नंबर ऑक्सीजन का या ऑड, पहली ड्यूटी क्या बनती है आपकी, इसको आप कैसे भी करके इवन बना लिया, हो गया इवन, बैलेंस हो गया। नहीं होता फिर अगला स्टेप प्रोसीड करते हैं। यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग खराब हुई, 2 2 4, तो इसको बैलेंस करने के हमारे पास 4 के लिए क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया। देन अगला और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा और एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे और बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास होते हैं, जैसे C6H12O6, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, इसको यदि हम ऑक्सीडाइज करें तो हमें मिलता है CO2 और H2O। देखिए ध्यान से, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बैलेंस कैसे करते हैं। 10th क्लास में बच्चों के पास बहुत सारी समस्या आती है, सर बैलेंसिंग नहीं होती है, 2 मिनट का काम होता है बैलेंसिंग का, थोड़ा सा कल लगाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए, मेरे साथ रहिए, मैं सिखा देता हूं। देखिए हाउ मेनी कार्बन एटम, 6, यहां कितना है 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, हो सकता है आपको ये अगले स्टेप में इरेज करके भी चेंज करना पड़े, बट डोंट वरी, आपको करना है। ठीक है, देखिए 6 हो गया, ओके, हाउ मेनी हाइड्रोजन, यहां 12, यहां कितना है 2, देखना 12 और वहां 2, आप लोगों के पास इवन है, डोंट वरी, इवन है 12 है, या कोशिश करता हूं 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो गया, इट इज इजी ना। अब देखिए हाउ मेनी ऑप्शन, 6 और 2 8, ध्यान देना 6 और 2 8, यहां कितना है 6 2 12 और 6 18, ध्यान देना कितना, यहां पर केवल 8 है और यहां पर 6 2 12 और प्लस 6 मींस 18, कितने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए यहां पर, या ओनली 8 है आपके पास, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप जिससे कि ये ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो जाए प्रॉपर। देखिए 12 भी हो गया और 6 ही हो गया 18, या किससे फेट है, तो कितने का करें, अगर हम यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 2 12 और 6 18, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 2 12 और 6 18 हो जाएगा इधर, और इधर भी 18 है, तो देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ध्यान दीजिए, मैंने हाइड्रोजन को जब बैलेंस किया था या 6 का मल्टीप्लाई किया था, ये ऑक्सीजन जो ऑड नंबर यहां कंसीडर हो रहा था वो ऑटोमेटिकली इवन हो गया, तो ध्यान दीजिए कि जहां इवन नंबर कोई भी एटम फंस जाएगा वो इक्वेशन बैलेंसिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है आप लोगों को। तो चलिए अगले इक्वेशन पे और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए कंसीडर करता हूं, जैसे और एग्जांपल आप लोगों के लिए लेके चलते हैं हम। देखिए Mg+O2 यहां बनता है MgO, बहुत सिंपल इक्वेशन लेके चला। ठीक है, और अगर कोई भी इक्वेशन अगर आपको
नहीं समझ में आती है, कोई बैलेंस नहीं होती, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बैलेंस करके बताऊंगा। देखिए Mg एक सिंगल एटम, सिंगल एटम, ऑक्सीजन दो या एक, तो देखिए ये क्या एक है ना, ये दो है, तो दो इवन होता है एक ऑड होता है, इस ऑड नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसको साथ में बैलेंस भी हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई किया तो दो ऑक्सीजन हो गया मतलब इवन हो गया, साथ में बैलेंसिंग भी हो गई, मैग्नीशियम क्या हुआ अनबैलेंस, इस मैग्नीशियम को मैंने बैलेंस किया, हो गया क्या। चलिए और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों के लिए, N2 plus H2 gives NH3 अमोनिया, ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है, तो देखिए इसमें कैसे आप लोगों को बैलेंस करना है, देखिए या दो नाइट्रोजन या एक नाइट्रोजन, ध्यान देना एक नाइट्रोजन साथ में, या इवन है इधर और ये ऑड है, तो मैंने क्या बोला आप लोग ऑड को इवन कर लीजिए, यहाँ पे फायदा क्या मिलने वाला, मैं इसको ऑड से इवन करूंगा तो साथ में बैलेंसिंग भी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दो बैलेंसिंग भी हो गई, वेरी गुड, थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स हाइड्रोजन यहाँ कितना टू, क्या करेंगे थ्री टू जा सिक्स हो गया बैलेंस, इसको बोलते बैलेंसिंग। और चलिए और लेके चलते हैं एग्जांपल आप लोगों के लिए, मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, तो आप लोगों को अगर बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है या किसी भी टॉपिक में आप लोगों को अगर समस्याएं आती तो आप लोग कहीं मत जाइए, कमेंट करके बताइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलता है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके अपना आंसर पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नेक्स्ट अगली इक्वेशन लेके चल रहा हूं, KCl3 गिव्स KCl+O2। देखिए हमारी एक इक्वेशन है KCl3 गिव्स KCl+O2, ठीक है, अब काउंट करते हैं पोटेशियम 1 वेरी गुड, क्लोरीन 1, देखिए ऑड ऑड है कोई बात नहीं, देखते हैं अभी ऑक्सीजन 3 बट यहाँ ऑक्सीजन 2, प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है, देखिए यहाँ जितने भी एटम हैं वो जनरली क्या है ऑड नंबर, बट कोई बात नहीं हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये एटम तो फिलहाल तो बैलेंस देते हैं, पोटेशियम क्लोरीन दोनों बैलेंस देते हैं, अनबैलेंस कौन दिख रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, आप लोग क्या करना होगा इसी को बैलेंस करना होगा, सबसे पहले इसको इवन, जो आपको ऑड दिख रहा है 3 इसको इवन बना लेते हैं, तो एटलीस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 6 और इसको अगर मैं लेके चलूंगा 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस, तो ऑक्सीजन जो अनबैलेंस था वो बैलेंस, लेकिन इसको बैलेंस करने के वजह से ये पोटेशियम और क्लोरीन भी अनबैलेंस हो गए, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे ओनली 2 से या मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस। देन अब अगली और इक्वेशन आप लोगों के लिए लेके चलते हैं, एल्यूमिनियम+क्लोरीन अगर हम लेके चलते हैं तो AlCl3 बन जाता है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 ऑड नंबर आ गया, देखिए या 2 है या 3 है, क्या करें इस ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एटलीस्ट 2 से, क्या हो गया 3 2 6 इवन हो गया, यहाँ भी इवन है, अब यहाँ इवन है वहां कितना 3 2 6, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 2 6, अब क्लोरीन तो बैलेंस कर लिया लेकिन एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया, हाउ मेनी क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम सॉरी 2, तो यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा होता है कि आप अनबैलेंस को बैलेंस कर रहे हैं तो जो बैलेंस है वो पहले से वो अनबैलेंस हो जाता है, तो कोई बात नहीं आप लोगों को करना पड़ेगा उससे भी आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगला और एग्जांपल लेके चलते हैं आप लोगों के लिए, जिंक को यदि हम ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड, देखिए सिंपल सी इक्वेशन है, जिंक की यहां पर बैलेंस दिख रहा है, एक एक ऑक्सीजन यहां 2 है यहां 1 है, तो 1 है मतलब व्हाट नंबर है, तो मैं क्या करता हूं सीधा इसको एक तो इवन में कन्वर्ट किया साथ में बैलेंस भी हो गया 2 और ये हो गया 2, जो बैलेंस था उसको अनबैलेंस कर दिया तो यहां 2
का मल्टीप्लाई मुझे जिंक के साथ करके इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से एग्जांपल आपको से बैलेंस नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को वही इक्वेशंस वही एग्जांपल्स आप लोगों को बैलेंस करके दिखाने वाला हूं। चलिए जैसे FeSO4, चलो ये तो बैलेंस इक्वेशन लिख लिया मैं, इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है, अगर हम इसको हीट करें तो इसे डिकम्पोज करके हमें मिलता है PbO, लेड ऑक्साइड मिलता है, साथ में NO2 मिलता है और साथ में O2 मिलता है। अब देखिए इसको आपको बैलेंस करना है, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन आ चुकी है, कोई बात नहीं। देखिए लेड वन है या मी वन, कोई बात नहीं, चेक करते रहिए। इसका नतीजे पहली बार आए ये होल ट्वाइस है तो नाइट्रोजन कितने होंगे, 2 या नाइट्रोजन 1 हो गया बैलेंस, ठीक। ऑक्सीजन कितना, 3 2 या 6, यहां कितना 1 और 4 5, मतलब यहां पर नाइट्रोजन जो नंबर है वो भी यहां गड़बड़ है और ऑक्सीजन भी गड़बड़ है, मतलब ऑड नंबर में दिया है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ऑड नंबर से इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये भी इवन है ऑक्सीजन, ये भी इवन है, मैं काम करता हूं इसको इवन कर लेता हूं, इवन किया, ठीक है। अब कितना हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 है ना, मेरे पास 6 हो गया। अब देखिए इससे 3 2 6 मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। मैंने कोशिश किया उसको बैलेंस करने के लिए नहीं, पहले उसे इवन बनाने की कोशिश किया, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि चीजें बैलेंस हो जाती हैं, 6 ऑक्सीजन। अब देखिए हमने क्या बिगाड़ा, अभी हमारा और भी बिगड़ेगा, बैलेंस ही अनबैलेंस होगी। बट यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, बट यहाँ नाइट्रोजन 2 नहीं है, हमने क्या किया, नाइट्रोजन को 2 किया। अब नाइट्रोजन को 2 किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 4 6 और 2 8, अगर ये 8 हो गया, साथ में आता है कि लेड कितना है, 2, इस लेड को बैलेंस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके। आप चेक करो जरा, फिर बैलेंस ही खराब होनी है। देखिए 2 PB लेड बैलेंस है, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन 4, तो मुझे यहां से इसको 4 करना पड़ेगा। देखिए बैलेंस को अनबैलेंस फिर किया मैंने, हां भाई 2 लेड हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गए, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 3 12, ध्यान देना अब बैलेंस ही खराब नहीं करनी है, 2 4 2 8 10 और 2 12 हो गया, कितनी बैलेंस हमने, आप 4 3 12, ये 2 4 2 8 10 और 2 हो गया बैलेंस। तो कभी कभी हो सकता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 30-30 दिन स्टेप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस होगी। आप हमेशा ऑड नंबर को कन्वर्ट करते रहिए, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बैलेंस समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों की दिक्कत को बता दूंगा। चलिए एक और इक्वेशन आप लोगों को बता देते हैं इसी तरह से, अगर मैं KMnO4 को यहां लिख देता हूं, KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसको अगर हीट कर रहा हूं, इसको हीट करने पे हमें क्या मिलने वाला है, K2MnO4 MnO4, देन आगे मिलने वाला है MnO2 प्लस O2, ये मिलने वाला है। कभी कभी हमारे साथ एक चीज और होती है एग्जाम में कि इक्वेशन बोलता है बैलेंस करो, लेकिन इक्वेशन पहले से बैलेंस दी हो जाती है, तो पहले से बैलेंस दी हुई इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं कर सकते। सो कभी भी इसमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें कि जो इक्वेशन पहले से बैलेंस है, पहले चेक करो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, अगर बैलेंस है तो बैलेंस नहीं करनी है, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो कभी इसमें धोखा नहीं खाना है। देखिए यहाँ पोटेशियम 1 है या 2 है, सबसे पहला इसको ही हम बैलेंस कर मारते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और को इवन बना दिया मैंने, 2 मैग्नीज हो गए, या देखिए ऑटोमेटिकली इसके 2 मैग्नीज होते हैं, 1 और 1 2 बैलेंस हो गया ना, ठीक है। 4 2 8 ऑक्सीजन, तो देखिए 4 और 2 6 और 2 8, देखिए ऑटोमेटिकली कई बार ऐसा होता है कि और को इवन बनाते हैं, इक्वेशन में बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाती है, ठीक है। देन अब हम आप लोगों के लिए एक और इक्वेशन लेके चल सकते हैं, देखिए आखिरी इक्वेशन लेके चल रहा हूं, PB3O4
इसको जब हम लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं तो आपको PbO मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है कोई भी, और साथ में O2 गैस मिलती है। ध्यान देना कोई भी ऑक्साइड का सॉल्ट होगा हीट करने पर आपको ऑक्सीलिब्रेट करता है। अब देखिए तरीका, ये और है, अभी तक मैंने तरीका बदला बताया था, वो हो सकता है चेंज हो जाए, ये भी और है। इस बार दोनों तरफ ही और है, थ्री है यहाँ पे, क्या है ये आपका वन है ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन कितना, फोर या कितना थ्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली चीजें और में, तो क्या करना होगा आप लोगों को बैलेंस करना होगा। देखिए पीवी कितना थ्री, मैं यहाँ पे बैलेंस कर लेता हूँ, देखो इससे पीवी तो थ्री होगा, पहले स्टेप में कोशिश कर रहे हैं, देखते ही बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो देखिए थ्री और टू कितना होगा फाइव, या कितना है फोर, टिपिकल पड़ रहा था वो सब, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना है, हमने पीवी को तो बैलेंस करने की कोशिश की बट बैलेंस नहीं हुआ, पीवी थ्री था हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन यहाँ देखो थ्री और टू फाइव, ऑड नंबर हो रहा ऑक्सीजन का, या कितना इवन। तो एक काम कर लेते हैं इसको, इसको हम एटलीस्ट इसमें टू से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स, इवन हो जाएगा, देखो सिक्स और टू एट। और यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी बैलेंस हो जाता है 3 2 6, तो लेड भी बैलेंस हो गया यहां पे, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 2 8, तो देखिए 6 और 2 8। कभी-कभी आप लोगों को ऐसा भी करना पड़ सकता है, ये स्टेप्स होते हैं आप लोगों को लेने पड़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं ये बैलेंसिंग, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब मैं बात करने वाला हूं अनबैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिमिटेशन करते हैं केमिकल इक्वेशन कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। देखिए केमिकल इक्वेशंस की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, इनमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है कि इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस नहीं पता चलती है। दूसरी चीज ये एक्वस है नॉन एक्वस है, इनकी कोई भी स्टेट हमें पता नहीं चलती है। दूसरी तीसरी बात अगर हम करें, इसमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें से गैस कौन सा गैसी सब्सटेंस है, कौन सा इवॉल्व गैस हो रही है, गैसी सब्सटेंस इवॉल्व हो रही है या जो सब्सटेंस पीपीटी बनाते हैं, इस बारे में इन इक्वेशंस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यही लिमिटेशन होती है केमिकल इक्वेशन की। तो हम आगे वाले वीडियो मिलने वाले हैं, वहां बताने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे वीडियो कैसे इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव बनाएं। जितनी मैंने आपको लिमिटेशन बताई हैं, अगली वीडियो बताऊंगा कि किसी भी इक्वेशन को कैसे आप इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तब तक कहीं मत जाइए, चैनल को लाइक करिए, जो लोग नए चैनल पे अभी सारे लोग नए होंगे उम्मीद करता हूं, वो लोग चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आगे लाने वाली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।